गैस चार्जिंग इन डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर में सील्ड सिस्टम रिपेयर करते समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। सील्ड सिस्टम की रिपेयर निम्न डिफेक्ट के कारण रिपेयर की जरूरत होगी। कंप्रेसर डिफेक्ट होने पर, गैस लीक होने पर, गैस चौक होने पर। यूनिट में गैस पर्च करने के लिए कैपिलरी को काटें और चेक करें कि गैस का फ्लो ड्रायर और कैपिलरी दोनों साइड से आना चाहिए। अब ड्रायर को काट कर अलग करें। कंप्रेसर से डिस्चार्ज ट्यूब को डीब्रेज करें और नाइट्रोजन का प्रेशर 150 psi डिस्चार्ज ट्यूब से डालकर फ्लश करें। अब यही प्रक्रिया कैपिलरी के द्वारा प्रेशर डालकर लो साइड फ्लश करें। इसके बाद डिस्चार्ज को कंप्रेसर से जोड़ें और नया ड्रायर ब्रिज करें। चार्जिंग ट्यूब और ड्रायर के प्रोसेस ट्यूब में मनीफोल्ड कनेक्ट करें और यूनिट को 30 से 45 मिनट तक वैक्यूम करें। वैक्यूम पंप 2 स्टेज 1.5 CFM का होना जरूरी है। ध्यान रहे, यूनिट को कभी भी कंप्रेसर से वैक्यूम ना करें, क्योंकि यूनिट में यदि एयर रहेगी तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर नहीं आएगा और रिपीट रिपेयर हो जाएगी। वैक्यूम पूरा होने पर चेक करें कि यूनिट में कितनी गैस भरनी है। जैसे यूनिट में अगर 70 ग्राम गैस भरनी है तो वजन करके गैस चार्ज करें। गैस चार्ज होने पर यूनिट को चालू करें और परफॉर्मेंस को जांचें। ध्यान रहे, इस समय यूनिट में कोई भी लोड नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, यदि यूनिट में R290 गैस भरी है तो क्रॉस डबल पंच करके ही ब्रेजिंग करें। गैस चार्जिंग इन डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर में सील्ड सिस्टम रिपेयर करते समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। सील्ड सिस्टम की रिपेयर निम्न डिफेक्ट के कारण रिपेयर की जरूरत होगी। कंप्रेसर डिफेक्ट होने पर, गैस लीक होने पर, गैस चौक होने पर। यूनिट में गैस पर्च करने के लिए कैपिलरी को काटें और चेक करें कि गैस का फ्लो ड्रायर और कैपिलरी दोनों साइड से आना चाहिए। अब ड्रायर को काट कर अलग करें। कंप्रेसर से डिस्चार्ज ट्यूब को डीब्रेज करें और नाइट्रोजन का प्रेशर 150 psi डिस्चार्ज ट्यूब से डालकर फ्लश करें। अब यही प्रक्रिया कैपिलरी के द्वारा प्रेशर डालकर लो साइड फ्लश करें। इसके बाद डिस्चार्ज को कंप्रेसर से जोड़ें और नया ड्रायर ब्रिज करें। चार्जिंग ट्यूब और ड्रायर के प्रोसेस ट्यूब में मनीफोल्ड कनेक्ट करें और यूनिट को 30 से 45 मिनट तक वैक्यूम करें। वैक्यूम पंप 2 स्टेज 1.5 CFM का होना जरूरी है। ध्यान रहे, यूनिट को कभी भी कंप्रेसर से वैक्यूम ना करें, क्योंकि यूनिट में यदि एयर रहेगी तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर नहीं आएगा और रिपीट रिपेयर हो जाएगी। वैक्यूम पूरा होने पर चेक करें कि यूनिट में कितनी गैस भरनी है। जैसे यूनिट में अगर 70 ग्राम गैस भरनी है तो वजन करके गैस चार्ज करें। गैस चार्ज होने पर यूनिट को चालू करें और परफॉर्मेंस को जांचें। ध्यान रहे, इस समय यूनिट में कोई भी लोड नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, यदि यूनिट में R290 गैस भरी है तो क्रॉस डबल पंच करके ही ब्रेजिंग करें।